पीछे से लाइट आई है, कोशिश करा यही से अपना फिल्म बनाएगा। तो बस कोशिश हम लोग ऐसे ही प्यार जागरूकता दिखाइएगा तो शायद हम आगे भी चल के इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको सिनेमा अच्छा लगता है तो आप अपने फेसबुक पे इसका रिव्यू डालिए कि जो भी एक सिनेमा है आप लोगों को भी इस तरह हम हिंदी प्रचार कर रहे हैं। हम ये भोजपुरी भाषा की चीजें हैं तो हमें भोजपुरी भाषा को बड़ा करना है, भोजपुरी भाषा को बड़ा करना है ताकि जिस तरह साउथ की चीजें बड़ी हो रही है हम सब होने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारा भी उतना ही बड़ा होगा। इसी कोशिश के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जागरूकता दिखाइए और एक मैसेज है कि हमारे बच्चे आजकल हमसे ज्यादा मोबाइल की कमी हो गई, उसकी ऐसे प्रणाली सिनेमा बनाया है ताकि हमारे बच्चे हमसे खेले मोबाइल से नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी इस चीज को बढ़ावा दीजिए ताकि घर से लोग आए और आप अपने बच्चे के साथ अपने वाइफ के साथ अपने माँ बहन के साथ देख सकते हैं सिनेमा को। ऐसा कुछ हरकत नहीं की होती है, इसीलिए मैंने अपने बेटी के साथ इसमें काम किया और आप लोग कांग्रेस के बेटी के पार्टी ने कैसा काम किया। अब हीरोइन से बात कर लीजिए, भैया जाने दीजिए। अरे दूर से हाथ मत लगाइए। भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो बार में हो जाए जरा सामने देखिएगा, पंकज हट जाओ। क्या है कैसे है कैमरे में देखिए, बताइए। देखिए संघर्ष तो एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि आज हर आदमी और हर वो गार्जियन अपने बच्चों के सामने ही संघर्ष करते नजर आ रहा है। रीज़न ये है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं खेल पा रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं
और उसी बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है, ताकि कम से कम जो संस्कार पहले के, जैसे हमारे पापा जब हम कुछ खेलना चाहते थे तो पापा अपने कंधों पे लेकर हमें खिलाया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम घर जाते हैं तो बच्चे पहले मोबाइल मांगते हैं, हमें नहीं। उसी बेस पे है कि आजकल बच्चे गेम के तहत इतना दिमागी तौर से, कई सारे बच्चे तो अपने माँ बाप के कत्ल कर देते हैं, कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम को देखते देखते, गेम को चलाते चलाते, गेम को खेलते खेलते। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे समाज के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं है। जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो बच्चे अगर अपने माँ बाप से खेले तो शायद आने वाली पीढ़ी हमेशा संस्कार में लिपटी रहेगी। और एक संस्कार का जो योगदान है हमारे जीवन में, संस्कार का योगदान बहुत बड़ा होता है, तभी हम अपने दुनिया में लोगों को पहचान पाते हैं। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल को पहचान रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी की है, और एक समाज को एक अलग दिशा देने के लिए, ताकि समाज अपने बच्चों को टाइम दे, पिता अपने बच्चों को टाइम दे, और बच्चा भी अपने बाप और मम्मी को टाइम दे, ताकि उसको ये समझ में आए कि नहीं, माँ बाप का प्यार कितना प्यारा होता है। इस सिनेमा में मेघा श्री जी हैं, माई श्रीवास्तव जी हैं, सब्बा खान जी हैं, और समर चतुर्वेदी जी हैं, विनोद मिश्रा हैं, संजय पांडे हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, मटरू भाई हैं, और मैंने बहुत सारे कलाकार इसमें हैं जो कि हाँ, और जितने भी कलाकार हैं सबने अपना 110% दिया है। विनीत विशाल है जो कि मेन भूमिका में है, जो कि हमारा जो इसमें फाइट दिखाया गया है आपको बैंकॉक में, पटाया में, तो मेन लीड वही कर रहे हैं, विलेन का जो भूमिका होता है, एक विलेन जो गेम प्लान करता है हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, उसी कहीं ना कहीं जाल को हमारा हीरो तोड़ता है। इसमें मेरी बेटी है जिसका नाम कृति यादव है, जो कि विलेन के मरने के बाद ही सिनेमा शुरू होता है, और लास्ट में जो हम खुद ही परसों हम सब लोग सिनेपोलिस में देख रहे थे पटना, और मुझे नहीं लगता कम से कम 150 पत्रकार लोग थे, यूट्यूबर भाई थे, और सब लोग रो रहे थे, हम रो रहे थे, सर रो रहे थे, माही रो रही थी, हमारे पराग सर रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक सिनेमा है जो अपनापन जब दिखता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होती है, और हमने कोशिश की। अब आप लोग की कोशिश है, क्योंकि समाज की आप भी एक आईना हो, आपको दुनिया जानती है, आपको दुनिया सुनती है, आपको देखती है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार इस सिनेमा को ज़रूर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि नहीं, भोजपुरी बदल रही है। और भोजपुरी में बदलने में मुझे लगता है कि नील का पत्थर साबित होगा, जिसका नाम संघर्ष 2 है। तो हमारी एक कोशिश है, अब कोशिश आप सबकी है, तभी हम अपने आप को बड़ा कर पाएंगे। थिएटर थोड़े कम है हमारे पास, और हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हम सामान तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए हमारे पास दुकान नहीं है। तो बस थिएटर जो बंद है कम से कम वो खुले, और कोई नई निर्माण हो थिएटर के लिए, सिनेमा हॉल बने, थिएटर बने, मल्टीप्लेक्स बने, तब जाके शायद हम अपने आप को भी 200 करोड़ 300 करोड़ की सपना देख पाएंगे। क्योंकि हम सामान तो अच्छा बना लेते हैं, बट हमारे पास बेचने के लिए दुकान नहीं है, और चीज़ें तो दुकान में ही बिकेगी। तो इसीलिए सरकार से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंटरटेन भी एक ऐसा साधन है जो रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। लगातार हम लोग यूपी में शूट तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ सब्सिडी के भरोसे, चलाने के लिए हमारे पास थिएटर ही नहीं है। तो मैं सरकार से, यहाँ के भी, बिहार के भी सरकार से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा थिएटर के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हम भी 200 करोड़ 300 करोड़ का धंधा कर सकते हैं, और हमारे पास दुकान होगा तो हम अपना सामान बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। सर, इस फिल्म में आप अन्ना यानी सुनील शेट्टी की कुछ रोल में कुछ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं के सारी हूँ, सुनील शेट्टी नहीं मैं एक्चुअली मेघा श्री का जो इस सिनेमा में रोल है, ये मैं साउथ से हैं, तो मेरी जो शादी इनसे होती है वो साउथ कल्चर के हिसाब से होती है, क्योंकि मेरे माँ बाप इस सिनेमा में नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, और मैंने अपने मेहनत से इस चीज़ को बड़ा किया है, और हमारा इनका प्यार होता है, तो ये साउथ से हैं, इसलिए हम साउथ कल्चर को कल्चर से ही शादी इनके साथ हमने किया है, तो अन्ना नहीं हो बट साउथ कल्चर में हमारी शादी हुई है इनके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा जिगरा है सर, कि हमारे पास दुकान बहुत कम है, बेचने के साधन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उतने में ही आप 3-4 करोड़ की फिल्में बनाओ भोजपुरी में, तो ये बहुत बड़ा जिगरा का काम है, यहाँ कोई करता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि रत्नाकर भैया,
तो इनसे मेरा कभी मैं डायरेक्टर और हीरो वाला रिलेशन रहा ही नहीं, एक फैमिलियर रिलेशन रहा इनसे। और मैं कुछ भी बेहतर होता है तो इनके पास लेके जाता हूँ कि भैया ये चीज़ें आपको ही आप ही बना पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं बनी है। कुछ लोग हम अच्छी कहानी लेकर भी जाते हैं लेकिन उसमें ना कैनवास होता है और ना ही उस सिनेमा का जो चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल नहीं पाती हैं, लेकिन इनके पास आने के बाद हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इस फिल्म का शूटिंग कहाँ का आपने किया था, विदेश में किया और यूपी में? हाँ, हमने इसका शूटिंग बैंकॉक में किया, पटाया किया, उसके बाद पूना में किया, फिर यूपी में किया, तो चार गोरखपुर में। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कहानी को जो मैं लोकेशन चाहिए थी हम लोग उस लोकेशन पे जाकर शूट किए, तो ये इसकी ब्यूटी है कि जिसकी ज़रूरत थी वही किया हमने। समुद्र के अंदर आप जो ड्राइविंग किए उस पर क्या एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? वो बहुत बड़ा इशू था क्योंकि समुंदर में हम आज तक कोई बाइक चलाए नहीं और अचानक से मुझे 20 मिनट में वो बाइक चलाना था क्योंकि टाइम बहुत कम था। विदाउट फाइट मास्टर विदाउट सेफ्टी 30,000 गहरा फीट वो समुंदर और उसमें आपको उतर जाना, वो तो रिस्की था। बट सबकी हिम्मत मेरे पास थी और सबसे बड़ा रत्नाकर भैया की, क्योंकि 20-20 वो पानी बाइक को लाना वहाँ पे, क्योंकि हर पानी बाइक अगर 3 घंटे के लिए लोग देते हैं तो उनका बहुत एक बजट होता है और उसमें भी अपने बेटे को खुद ही सम्मान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे गांव के लोग सम्मान देंगे, फिर वो जिला में बदलेगा, जिला से पूरा बिहार बदलेगा, यूपी बदलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई बेहतर करता है तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को बड़ा करें, अपनी भाषा के लिए बेहतर बोले, बुरा ना बोले। आप किसी एक इंसान को बोलिए लेकिन अगर भाषा को बोलिएगा ना कि भोजपुरी गंदी है तो वहाँ गलत लगता है, बोलिए कि ये आदमी गंदा है। भोजपुरी गंदी नहीं हो सकती, भोजपुरी हमारी माँ है और माँ कभी गंदी नहीं होती है, माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार देती है। लेकिन उसमें कोई बच्चा चोर निकल जाता है, कोई डॉक्टर निकल जाता है, तो वो बच्चा गंदा है ना, वो माँ गंदी नहीं है। तो हम कभी भी किसी को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भाषा के बारे में तो बोल रही हो मत, आप भाषा के बारे में बोलिए कि भाषा हमारी इतनी प्यारी है, ये आदमी गंदा कर रहा है सर, तो टारगेट एक ही होगा। ऐसे क्या होता है कि लोग सोशल साइट पे ना अपने भाषा को ही बोलते हैं कि भोजपुरी में ऐसे हो रहा है, भोजपुरी में ये हो रहा है, भोजपुरी इतनी गंदी है, भोजपुरी वो है, भोजपुरी ऐसा है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने एक आदमी को चलते हम पूरे भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने सिर्फ अपने, देखिए मेरे कहने का मतलब वो तीनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। अब ये राजनीति वाली बात हो गई, अगर वो तीनों चाह दें तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का एक ग्राफ हो सकता है। क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब मैं आप सबके बीच में अपनी बातें रख सकता हूँ लेकिन वो ऐसे न्यायालय में जाकर बात रखते हैं जहाँ पे इंडिया के मोस्ट, मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बहुत सारे लोग होते हैं, तो पास करना नहीं करना उनकी बातों को सुना जाएगा। मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो मेरी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देगा, मेरी बातों की अहमियत मेरी जनता देती है क्योंकि जनता को मैं मनोरंजन देता हूँ, सरकार को मैं क्या देता हूँ। सरकार से तो मैं यही कहूँगा ना कि अगर 500 हॉल और थिएटर अगर हम यूपी बिहार में अगर बन जाते हैं तो जहाँ जहाँ थिएटर होगा वहाँ 10 दुकानें तो बढ़ेगी ना, तो दुकानें बढ़ेगी तो रोज़गार तो बढ़ा, तो रोज़गार का जरिया भी हमारा है सिनेमा, बशर्ते हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। और हमारे तीनों भाई अगर तीनों सांसद चाहें तो ये पॉसिबल है क्योंकि वो उनका विषय है, वो उस बात को संसद भवन में रख सकते हैं, हम तो सिर्फ आप सबके बीच में रख सकते हैं क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अभी जिस दिन हम नेता बन जाएंगे उस दिन इस बात को हम भी रख सकते हैं, बट हमारा कोई इरादा नहीं है। 2024 में विचार दें? नहीं 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 नहीं, मेरे जिंदगी में मैं कलाकार हूं और मुझे लगता है कि मेरी पहचान कलाकार बन के ही है। तीनों भाइयों के पिक्चर हॉल, ये जो थिएटर बनाने की बात है, क्या वो डिमांड रखी? मैंने सबसे डिस्कशन किया, ऐसा नहीं कि मैं देखिए अब वो मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको सजेशन देने वाला क्या होता हूँ, मैं उनके बहुत बाद आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जितना सीमा है, जितना चीज़ें हैं, अब वो तो इस लाइन से बहुत दूर है अभी, दोनों ठीक है, अपने तीनों बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अलग मैटर है, लेकिन 110% तो भोजपुरी को नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जनता को विकास के लिए दे रहे हैं। तो अब इनका एक क्षेत्र जो है थोड़ा सा बट गया है,
तो जब 110% अगर इसमें रहते वो तो शायद इस विषय पे वो सोच सकते थे। अब उनको तो भाई किसी का पंचायती भी करना है, किसी का ये बिल पास करना है, वो बिल पास करना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उससे हटके और अगर सिनेमा लाइन में सोचे तो ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, यूपी और बिहार दोनों स्थानों में सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है शूट करने के लिए? देखिए, साधन जहाँ भी मिलेगा आपको, मैं मेरे कहने का मतलब कि अगर सरकार का अगर देखा जाए कि अगर सपोर्ट, अगर हमें सरकार का सपोर्ट यूपी में मिलता है तो हम लोग लगातार, और सब्सिडी भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा आदमी कंफर्टेबल हो पाता है, क्योंकि अगर मूवी में थोड़ा सा ऊपर नीचा भी हुआ तो सब्सिडी से लोग अपना जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं। तो एक साधन बना तब जाके आज यूपी में हिंदी मूवी, बांग्ला मूवी, पंजाबी मूवी या भोजपुरी की जितने भी कलाकार हैं ऑलमोस्ट हर आदमी काम कर रहा है। सर, ये तो एक प्रश्न सर कि जो बॉलीवुड जो फीमेल कलाकार होती थी पहले भोजपुरी में आने में थोड़ा सा डरती थी, लेकिन अब जब से थोड़ा फिनिशिंग लाइन हुई है, थोड़ा सा मतलब और ग्राफिकली अच्छा दिखाया गया, तो मानते हैं कि मतलब अब रुझान ज़्यादा बढ़ा है भोजपुरी फिल्म में? देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज़ दरवाजे साफ रहेंगे ना तो हर आदमी बैठना चाहता है। अगर मंदिर भी गंदा होता है ना तो वहाँ पे दुनिया बैठना नहीं चाहती है। तो बात उस भगवान की नहीं है, बात उस जगह की है। भगवान कितना भी बड़ा हो लेकिन मंदिर अगर साफ सुथरा नहीं है ना तो दुनिया वहाँ पूजा करने नहीं जाती। हम मंदिर को क्यों साफ करते? उसी तरह भाषा होता है, भाषा का गरिमा होता है। अगर हम बेहतर चीज़ें देने लगेंगे ना तो हर आदमी तो लगेगा ना कि नहीं यार, 40 करोड़ जनता, 30-35 करोड़ जनता का आबादी है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो हमारी भोजपुरी ही है, जो कि इतने बड़े कैनवास और इतना बड़ा भाषा बोला जाता है हमारा, और हम सबसे कम रिकवरी में। रीज़न उसका यही है कि हम बेहतर चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हैं और बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, और बेहतर हॉल हमारे पास नहीं है, थिएटर नहीं है। अब ये जो मेरी सिनेमा लगी है संघर्ष 2, यूपी बिहार झारखंड सबको मिला के मुझे लगता है कि 40 और सर एक दिन का मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए एक दिन का रिकवरी मात्र 22 सिनेमा 40 सिनेमा में अगर आपको होता है तो आप समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 500 थिएटर होते तो हम कितना करते, एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए। तो हमारा अगर 2 हफ्ते का कलेक्शन आप देख लिया जाए तो कम से कम 100 करोड़ में तो हम भी घूम जाते, बट हमारे पास थिएटर है ही नहीं तो हम करें तो क्या करें। नहीं, फिर भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब बॉलीवुड से आप भोजपुरी फिल्म में रुझान बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, पहले सर 60 लाख 70 लाख में सिनेमा बनती थी, आज 3.5 करोड़ में बनाया ना इन्होंने, तो 3.5 करोड़ जब लगेगी तो सर तो मूवी में ही लग रही है ना, तो हमारा कैनवास तो बड़ा दिखेगा ही, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, हमारा पहनाव ठीक दिखेगा, हमारा फाइट अच्छा दिखेगा। हम पहले एक दिन में 2 फाइट करते थे, हम एक दिन में 2-2 गाने करते थे, लेकिन हम आज एक गाने को 3 दिन में करते हैं, हम एक फाइट को 4 दिन में करते हैं। तो जब आपको टाइम मिलेगा किसी चीज़ के करने के लिए तो आप बेहतर तो करोगे ही, और टाइम कब मिलता है? जब आपके पास पैसे होते हैं, क्योंकि टाइम लेने के लिए पैसे तो खर्चे होंगे, मतलब पूरा पूरा पैसे पर आप, बिल्कुल पैसे पे हर वो चीज़ें। मेरे कहने का मतलब सर कि आप अगर फुटपाथ पे चीज़ें लेते हैं तो आपको वो टी शर्ट 10 रुपये में मिल जाएगी या 200 में मिलेगी, लेकिन जब मॉल में जाएंगे सर तो मॉल में जाने के बाद तो एक टी शर्ट का कीमत कम से कम 5,000 तो हो ही जाएगा। संघर्ष 2 का रिलेटेड भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टर है, हीरोइन है, मूवी के बारे में यहाँ पे दिक्कत सिनेमा मालिकों को ये आ जाता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म नए नए आ गए हैं नहीं बात सर वहाँ तो अच्छा, ये बताइए कि OTT हिंदी के लिए नहीं है, सबके लिए, तो आखिर जवान ने कमाया ना सर, गदर ने कमाया ना, तो बात वहाँ भी से सिर्फ OTT से नहीं है। हमें अगर सुविधा मिलेगा तो अगर AC लगी, अच्छा कुर्सी मिला, तो हमारे पास पैसे हैं, बशर्ते हमें सुविधा नहीं मिलती है सर, सुविधा नहीं मिलती है इसलिए हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब बताइए जब कुर्सी टूटी होगी और सीट फटा होगा तो कौन अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएगा भाई? सर जो नहीं लग रहे हैं वो विषय नहीं है, कहाँ अड़चने आ रही है? अड़चने देखिए, मेरे कहने का मतलब देखिए, हमारे क्षेत्र में आता नहीं है, मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकारी ही कर सकता हूँ, सीट ठीक कराना, यहाँ का व्यवस्था, राज्य का व्यवस्था किसके हाथ में होता है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, या विधायक के हाथ में होती है, या MP के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है।
बेसिकली सरकार के हाथ में होती है। अगर सरकार हमारे हॉलों को बड़ा कर दे, सरकार हमारी चीज़ों को व्यवस्था बढ़िया से दे दे, तो हम ऑफिसली सर अगर OTT फ्री में दिखा रही है फिल्म तो कोई पैसा खर्च करके थिएटर तक आएगा क्यों? लेकिन कुछ नहीं दिखा रही है, फ्री में नहीं दिखा रही है, वो बाद में आपसे लेगी, आपको आपकी आदतों को खराब कर रही है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, आपकी आदतों को खराब कर रही है। देखिए ये सवाल है आपका, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप संघर्ष देखें भी, ताकि अगर देखेंगे तो आपको आप ज़्यादा समझ पाएंगे उसको। क्योंकि देखिए आप जैसे लोग, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग समाज के आईना हैं, आप लोग जब तक सिनेमा नहीं देखेंगे ना, तब तक सिनेमा की खूबी, सिनेमा की दिक्कत, सिनेमा की परेशानी आप दुनिया को नहीं बता पाएंगे। हम जितना बता रहे हैं वो अलग मैटर है, हम बता देंगे, बट मुझे लगता है कि आप सबका देखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक धब्बा लगा है ना कि भाई हमारी सिनेमा अच्छी नहीं बनती है, आप एक बार संघर्ष 2 देखिए तो शायद आप ज़्यादा जज कर पाएंगे। संघर्ष 2 में सिर्फ एक ये पैसे कमाने के लिए हम सिनेमा नहीं बनाए, इन्होंने 3.5 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक शुरुआत करने के लिए इन्होंने डाला है, ताकि हमारे भोजपुरी में भी बेहतर शुरुआत हो जाए। लेकिन अब देखिए कितने हद तक, क्योंकि हम लोग परसों से देख रहे हैं एक जैन सैलाब जहाँ भी जा रहे हैं, एक लग रहा है जब महोत्सव टाइप का हर जगह इतनी भीड़, हम घुस नहीं पाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ और इतनी कायनात और इतना प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो वो एक बहुत मायने रखता है कि बहुत दिनों बाद कोरोना काल के बाद मुझे लगता है कि पहला ऐसा अवसर है ये संघर्ष 2 का जो कि इतना जन सैलाब हॉल तक उमड़ के आ रहा है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर हर मार्केट में अगर एक सिनेमा हॉल होता तो उससे मुझे खुशी होती कि हम हर मार्केट में लोगों के पास जाकर लोगों से मिलते, अपनी बात बताते और लोग जब देखते तभी जज कर पाते और सब मिलकर एक साथ संघर्ष 2 के लिए बोलते। लेकिन ठीक है, उससे थोड़ा वर्जित है कि थिएटर हमारे पास कम है, लेकिन उसी में हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपने बच्चों को बाप से जोड़ने की, एक माँ को एक बेटे से जोड़ने की, जो आज बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं खेलते, वो गेम खेलते हैं। हम लोगों ने उसी विषय पे काम किया है कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि 20 साल बाद माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, बच्चे अपने दिशा में जाएंगे, माँ बाप क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमें मोबाइल अपने बच्चों को नहीं देना है, हमें अपने बच्चों को टाइम देना है। जो हम मोबाइल देकर उसको गेम खेलने के लिए उत्साहित करते हैं कि ले बेटा गेम खेल दो, उसे हमें खेलना चाहिए, उन लोगों के साथ हमें खेलना चाहिए, वही संघर्ष 2 है। संघर्ष 2 एक देश के प्रति जागरूकता है, ये कि देश को कैसे बचाया जा सकता है, और देश को हम नहीं बचा सकते, देश के हमारे आजकल के पीढ़ी, युवा पीढ़ी बचा सकती है, हमारे बच्चे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 40 साल का खेसारी का और उम्र होगा, हम 30 साल में घुसिए गए हैं, 40 साल और जियेंगे या 50 साल जियेंगे, तो इसमें हमारी जितनी क्षमता है करने की उतना ही कर पाएंगे, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसको हमें बचाना है, ताकि हम बचाएंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, हमारा इंडिया बचेगा, हमारा भारत बचेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 की कोशिश की है कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो शायद हम संस्कार से दूर हो जाएंगे, अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे, और हम पढ़ाकर भी अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। तो हमें अभी बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, हमें अभी बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है, वही है संघर्ष 2 है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने बीबी बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखिए, ताकि आप अपने बच्चों को आगे भविष्य में इस बात को बता पाएंगे कि देख बेटा मोबाइल की कितनी गलतियाँ हैं। आजकल बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम खेलते खेलते, अपने माँ बाप को चाकू से मार देते हैं, हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है, तो ये आप सोचिए कि वही हो रही है, नहीं, उसको देख के कितने सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें से एक आपका भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है। तो हमें सारे बच्चों के लिए संघर्ष 2 देखनी चाहिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष 2 देखनी चाहिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहते हैं, संघर्ष जैसे मूवी बनाते हैं और भोजपुरी सिनेमा एक नया इतिहास रखते हैं आपके सहयोग से? नहीं देखिए, मैं एक माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैं इसमें करता धरता, हमारे पराग पाटिल जी और इनके सपनों को पूरा करने का काम रत्नाकर भैया करते हैं, क्योंकि रत्नाकर भैया के अंदर एक जुनून है। देखिए मेरे कहने का मतलब, कोई भी आदमी, हम इनके बेटे की तरह हैं, पराग पाटिल भी इनकी बेटे की ही तरह हैं, हम सब कलाकार एक प्रोड्यूसर के बेटे की तरह होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। अब अपने बच्चे को कैसे प्रमोट वो करता है, उस गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है, और उस मामले में हमारा गार्जियन सबसे सुपर है, क्योंकि हम इस मामले में लकी रहे हैं कि रत्नाकर भैया के साथ हमने जो भी काम किया है, मिलके हम लोगों ने जब भी कुछ
किया है तो वो बेहतर ही हुआ है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि ये खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं सेट पे आना, ये सीन कैसे होगा, नहीं यार इसमें कम खर्चा लग रहा है, ये काम करो, इसको डबल करो, इसको दो दिन में शूट करो, तीन दिन में शूट करो। तो एक प्रोड्यूसर की वो जो लगाव दिखती है ना अपने सिनेमा के प्रति, अपने भाषा के प्रति, सिनेमा तो एक बिजनेस तौर पे हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने भाषा के लिए अगर एक आदमी इतनी बड़ी 4 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो हम लोगों को सिर्फ देखना ही तो है अपना 100 रुपया खर्चा करके। तो अगर हम 100 रुपया खर्चा करके देख लिए, तो मुझे लगता है कि वही आदमी कल अपने भाषा के लिए 8 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा, वही आदमी कल 800 करोड़ की भी सिनेमा बनाएगा। तो हमारा सहयोग क्या होगा, हमारा तो 100 रुपया जा रहा है, लेकिन उस आदमी का 4 करोड़ लगा है। तो सोचिए एक आदमी अपने भाषा के लिए 4 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो हम क्या 100 रुपया खर्चा अपने भाषा के लिए नहीं कर सकते, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं कर सकते? उनको दिखाएंगे तो शायद वो सुनने से ज़्यादा सर देखने में इंसान अपने आप को बदल पाता है। जब हम चीज़ जो देखते हैं उसी दिशा में जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संघर्ष 2 हर बच्चों को दिखाना चाहिए, हर उस माँ बाप को देखना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी, या आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं बिगड़ा है, लेकिन कल बिगड़ेगा अगर ऐसा ही माहौल रहा, तो हम कल अपने बच्चे में भी वही चीज़ देख पा रहे हैं जो दूसरे के बच्चों में देख पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बहुत देर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया एक संघर्ष 2 को इस बड़े लेवल पे शूट करने का, और बड़े लेवल पे रिलीज, बड़े लेवल पे प्रचार, बड़े लेवल पे थिएटर मिले, हर वो चीज़ मिले। अब देखिए हम कितने कामयाब होते हैं, लेकिन अगर जनता ने चाहा, जहाँ भी लगा है, आप अगर भर भर के अगर आ गए, तो मुझे लगता है कि हर उस डिस्ट्रिक्ट का सिनेमा हॉल भी खुलेगा, और हर सरकार का भी धीरे जाएगा कि नहीं भाई हमें बेहतर सिनेमा भी बनाना चाहिए। आनंद मंदिर सिनेमा हॉल की बात करेंगे, सिनेमा हॉल की काशी में तमाम तरह के मल्टीप्लेक्स हैं और सिनेमा हॉल है, और बीते कई वर्षों में भी सिर्फ और सिर्फ आनंद सिनेमा हॉल में ही सिर्फ भोजपुरी लगा, इसको क्या मानते, कहीं ना कहीं कमी अभी देख रहे हैं या फिर? तो ये सिनेमा का कमी नहीं है, हमारे एक्ट का कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है। ये सरकार की इसलिए कमी है कि सरकार अगर अपने भाषा को खुद ही अहमियत नहीं दे रहा है, तो फिर इस भाषा से हम क्या सोच सकते हैं? तो हम तो सिर्फ वर्कर बन के काम ही कर सकते हैं ना सर। एक जनता का काम क्या होता है, आप जिस दिशा में उसको भेजोगे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो आप जहाँ भेजोगे वहीं हम जाएंगे। हमें व्यवस्था दोगे तो हमें करना तो आता है, बट हमें व्यवस्था, हम गोली चला सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास बंदूक ही नहीं है। तो हम कितना भी बढ़िया बॉडी बनाकर और किसी से हैंड टू हैंड फाइट आजकल नहीं रहा, आजकल फिजिकली फाइट का दौर गया सर। आजकल बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आजकल लड़के मोबाइल पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। वही तो हमारा सिनेमा है कि हम पहले फिजिकली फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आसपास खेलते थे, बहुत सारी हमारे पास खेला थी, लेकिन आजकल वो सारे खेला मोबाइल में आ गए हैं, इसलिए बच्चे फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। हम बात करेंगे मल्टीप्लस सिनेमा की, और जो जो मूवी होते हैं एक एक मतलब शहर में तीन तीन चार चार पांच पांच मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ आनंद मंदिर ही। मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपने भाषा को अहमियत दे दे, तो मुझे लगता है कि हम क्या बोले आपसे कि हम एक दिन में मात्र 22 सिनेमा हॉल में, अभी बिहार में सिर्फ लगी है 22 सिनेमा हॉल यूपी छोड़ के, तो हम सिर्फ 22 सिनेमा हॉल का रिकवरी हम 10 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए सर, जबकि कोई डेट नहीं होता है, जो कल रिलीज हुई कोई डेट नहीं है, आज 7वीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख का रिकवरी। आप सोच सकते हैं अगर वही 500 होता तो वो दस लाख कितने में बदलता सर, कम से कम 2 करोड़ रुपये। तो 2 करोड़ रुपये अगर हम एक दिन का रिकवरी मात्र सिर्फ बिहार से करते, तो सोचिए हमारा यूपी भी अगर 300 सिनेमा हॉल होता तो हम कितना कमाते, झारखंड अगर होता तो कितना कमाते। तो बात हमारी कमाई की नहीं है, अपने भाषा को बड़ा करने की है सर। वो आपका 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन वही कल 100 रुपया मुझे लगता है कि 100 करोड़ की सिनेमा भी बनवाएगा। तो हमारे पास व्यवस्था होगी, दुकान होगी बेचने की, तभी हम बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया को बेच सकते हैं। तो हमारे पास बेहतर दुकानें कम है, और कम दुकान में हम सर करें तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हमारा काम एक्टिंग करना है। अगर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूपी बिहार में कम से कम 40 से 45 मल्टीप्लेक्स होंगे, अगर एक ही 100 अगर हमें मिल जाए कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी लगाना होगा आपको, कम से कम 100 चलाओ, लेके चलाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं सर, वहाँ पे महाराष्ट्रियन मूवी एक स्क्रीन लगती है और 100 दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार सक्रिय है, वहाँ की सरकार अपने भाषा को बड़ा करता है, उनकी मजबूरी है कि तुम्हें अगर भी महाराष्ट्र में रहना है तो हमारे भाषा का
प्राथमिकता देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं यूपी सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार भी वो इतना ही है, झारखंड भी वैसा ही है। सिनेमा हॉल में सर और थिएटर के मामले में और अपने भाषा के प्रति किसी के पास जागरूकता नहीं है। हम कलाकार अपने भाषा को, आज साउथ की बातें होती है सर, तो साउथ में जाकर देखिए सर कितने मल्टीप्लेक्स हैं और हर मल्टीप्लेक्स में साउथ की मूवी लगती है। व्यवस्था हमारे ऑडियंस को मिलता है तो 200 रुपये भी खर्चा कर लेते हैं, वो 500 भी खर्चा करते हैं, तो आप व्यवस्था तो दीजिए सर। बढ़िया फल होता है तो 500 रुपये किलो भी होता है तो दुनिया खरीदती है ना। अब सर आप 500 रुपये किलो बेचेंगे वो कचड़ा वाला फल तो कहाँ से, जब सड़ा हुआ सेब कोई लेगा 500 रुपये किलो? नहीं लेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जो अगर बेहतर सेब आपके पास है, अगर बढ़िया सेब है तो बढ़िया पैसा दुनिया देगी आपको। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे?